ये है मेरा 3 साल पुराना स्टार फ्रूट का पौधा। इसे मैंने गमले में उगाया हुआ है और इस पर इस समय ढेर सारे पके हुए और मीठे स्टार फ्रूट्स लगे हुए हैं। मैं अपनी छत पर कंटेनर्स में वेजिटेबल्स के साथ साथ कई तरह के फ्रूट प्लांट्स भी उगाता हूँ। मेरे टेरिस गार्डन में स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, गुआवा, अंगूर, आम, अनार, एप्पल बेर और चीकू के पेड़ भी लगे हुए हैं, जिन्हें मैंने बड़े कंटेनर्स में लगाया हुआ है और इनमें जबरदस्त फ्रूटिंग भी होती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार फ्रूट के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गमले में भी स्टार फ्रूट का पौधा लगाकर ढेर सारे फल पा सकते हैं, बीज से स्टार फ्रूट का पौधा कैसे उगाया जाता है, कैसे की जाती है इस पौधे की देखभाल, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा पूरे 2 साल के अपडेट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। दोस्तों, स्टार फ्रूट का टेस्ट खट्टा मीठा होता है, इसे कैरम्बोला या कमरक भी कहते हैं। मजेदार टेस्ट के साथ साथ ही स्टार फ्रूट विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से लोडेड होता है। स्टार फ्रूट वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार होता है। इसे गमले में उगाना बेहद आसान होता है। स्टार फ्रूट को उगाने के 2 तरीके होते हैं। आप इसे बीज से भी उगा सकते हैं और नर्सरी से इसका ग्राफ्टेड प्लांट लाकर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसे बीज से उगाने का तरीका बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगा स्टार फ्रूट का पका हुआ फल। अब इसके अंदर से बीजों को निकाल लीजिए। सीड्स के ऊपर से पल्प साफ करके 1 दिन के लिए छाया में रखकर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन बीज सूख गए हैं। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर थोड़ा गीला कर लीजिए और छोटे पॉट में भरकर बीजों को 1 सेंटीमीटर गहराई पर लगा दीजिए। अब इनके ऊपर पानी स्प्रे कीजिए। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करना है वरना बीज गल जाएंगे। अगली बार पानी तभी दीजिए जब मिट्टी सूखी लगे। 35 दिनों बाद कुछ बीज जर्मिनेट हो गए हैं और सीडलिंग्स में 4-5 पत्तियां भी आ गई हैं। अब ये फाइनल कंटेनर में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हैं। बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और रिवर सैंड मिलाकर सॉइल मिक्स बना लीजिए। सॉइल मिक्स को गमले में भरकर सीडलिंग को इस तरह से सावधानी से निकालकर इस गमले में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इसे 1 महीने तक सेमी शेड एरिया में रखना है। जब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाए तो इसके बाद इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। स्टार फ्रूट का पौधा बीज से उगाना तो आसान है, पर सीड ग्रोन प्लांट को फल देने लायक मैच्योर होने में कई साल लग सकते हैं। इसलिए अगर आप गमले में स्टार फ्रूट प्लांट उगाना चाहते हैं तो इसका ग्राफ्टेड प्लांट लाकर लगाइए। स्टार फ्रूट का इस तरह का ग्राफ्टेड पौधा किसी भी बड़ी नर्सरी में 100 से 150 रुपए के बीच आसानी से मिल जाता है। इसे मैंने 120 रुपए में खरीदा है। व्यूअर्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ग्राफ्टेड प्लांट की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, किसी दूसरे पौधे के रूट स्टॉक पर फल देने वाले बड़े पेड़ से कलम काटकर इस तरह से जोड़ दी जाती है। ग्राफ्टेड प्लांट में इस तरह का ग्राफ्टिंग का जोड़ साफ दिखाई देता है। ये इसका ग्राफ्टेड एरिया होता है। मैं इसे 20 इंच के इस बड़े टेराकोटा पॉट में लगाने वाला हूँ। गमले में अच्छी ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए न्यूट्रिशन रिच मिट्टी होना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद, 20% रिवर सैंड। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए। फ्रूट प्लांट्स के लिए मिट्टी के गमले बेस्ट होते हैं। अच्छे ड्रेनेज के लिए गमले के नीचे 2-3 छेद होना चाहिए। गमले के सबसे नीचे मैंने कुछ बारीक कंकड़ डाल दिए हैं और इसमें आधे से ज्यादा सॉइल मिक्स भर लिया है। ग्रोइंग बैग से निकालकर गमले में प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इसे अच्छे से पानी दीजिए। 2-3 दिन इसे छाया में रखने के बाद इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे दिन भर पूरी धूप मिल सके, क्योंकि इसे अच्छी तरह से बढ़ने और फलने फूलने के लिए ढेर सारी धूप की जरूरत होती है। दोस्तों, स्टार फ्रूट का हमारा पौधा 1 साल का हो गया है और काफी लंबा भी हो गया है। इसे मैंने बैम्बू स्टिक से सपोर्ट दिया हुआ है। 4 महीने पहले इसमें पहली बार फ्लावरिंग हुई थी और अब स्टार फ्रूट पीले हो चुके हैं और पककर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं।
तो चलिए स्टार फ्रूट का फर्स्ट हार्वेस्ट करते हैं। इस तरह से काटने पर यह स्टार की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे स्टार फ्रूट कहते हैं। अब मैं इस गमले के ऊपर की 1-2 इंच मिट्टी निकालकर इसमें गोबर की खाद डालूंगा और ऊपर से नई मिट्टी डालकर कवर कर दूंगा। 18 महीने बाद इस पर दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसके फूल बहुत ही सुंदर और खुशबूदार होते हैं। मैं अपने गार्डन में केमिकल फर्टिलाइजर्स और जहरीले पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता और इसीलिए मेरे गार्डन में ढेर सारे पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स आते हैं। इन फूलों में जितना अच्छा पॉलिनेशन होगा उतने ही ज्यादा फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। ये पौधा हैवी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, इसलिए इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करते रहना जरूरी है। महीने में एक बार 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर देना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए इसमें महीने में एक बार 1 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स या बायोजाइम ग्रेन्यूल्स डालिए। इसमें 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड डालकर सीधे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये सभी चीजें आपके आसपास की किसी भी बड़ी एग्रीकल्चर स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। आप चाहें तो इन्हें अमेज़न से ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आज है 3 नवंबर। फ्लावरिंग से 1 महीने बाद फूलों की जगह पर छोटे छोटे फल बनने लगे हैं। लगभग सभी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो गए हैं। लोग अक्सर पौधे को रोजाना पानी देते हैं, लेकिन स्टार फ्रूट के पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसमें पानी तभी देना चाहिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। दिसंबर का महीना चल रहा है, कुछ फ्रूट्स झड़ गए हैं और कुछ बड़े होने लगे हैं। दोस्तों आज 5 फरवरी है। ग्राफ्टिंग से लगाया हुआ हमारा स्टार फ्रूट का प्लांट अब अराउंड 2 साल का हो गया है और सभी फ्रूट्स बड़े होना शुरू हो गए हैं। प्लांट स्टार फ्रूट से भर गया है। इसमें से कुछ फल पक चुके हैं और कुछ अभी भी हरे हैं। जब फल पीला पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो चलिए इनमें से कुछ पके हुए फलों को हार्वेस्ट करते हैं। ये हमारी सेकेंड हार्वेस्टिंग है। प्लांट पूरे 2 साल का हो चुका है। लास्ट हार्वेस्ट के समय कुछ फल जो हरे थे अब वो भी पक गए हैं। सर्दियों के मौसम में कुछ वैरायटीज के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि पत्ते सूखकर गिरने लगे हैं। स्प्रिंग सीजन में इस पर दोबारा नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब मैं इसमें से कुछ और फ्रूट्स हार्वेस्ट करता हूं। आप देख सकते हैं ये कितना जूसी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों वैसे तो बाजार में मिलने वाले स्टार फ्रूट खट्टे होते हैं, पर इसका टेस्ट बेहद मीठा है क्योंकि ये पूरी तरह से पका हुआ है। इसका स्वाद थोड़ा थोड़ा पाइनएप्पल जैसा है। गार्डनिंग से जुड़े आपके इश्यूज पर डायरेक्ट चैट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ये रहा आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।